हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी कुर्वे। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेयर वॉश वीडियो लेके आई हूँ। गाइस मैं अपने पार्लर में किस तरीके से हेयर वॉश करवाती हूँ एंड कस्टमर का भी करवाती हूँ, तो ये इसी का वीडियो है। गाइस अगर आपका आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है पार्लर के लिए एंड आपको अच्छे से प्रोफेशनल पार्लर करना है, तो भी आप बिना बजट के भी कर सकते हो। गाइस काम पर डिपेंड होता है कि आपको मतलब किस तरीके से काम देना है अपने कस्टमर को। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो मेरे स्टूडेंट लोगों ने मेरा हेयर वॉश किया है। तो गाइस देखिए, हेयर वॉश करने के बाद मेरे हेयर भी रिजल्ट भी देखिए कितना प्यारा आया है। एंड वॉशिंग करने के बाद मैंने बालों को स्ट्रेट करवाया था एंड जो लियोन सीरम है उसे भी लगाया था मैंने अपने बालों को, तो इस वजह से इसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा आया है। आई होप कि ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगी एंड बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइज मैंने कौन सा शैम्पू लगाया है, शैम्पू लगाने के बाद केयर कैसी करनी होती है, एंड जैसे बहुत सी लड़कियों को परमानेंट स्ट्रेट बाल पसंद होते हैं बट बजट के वजह से नहीं कर पाते, तो आप घर पर ही अच्छे से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो एंड बहुत प्यारे लगते हैं। बालों की केयर किया कीजिए तो ही आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट दिखेंगे। तो गाइज मैंने आज लोरियल शैम्पू से बताया है। एक्चुअली गाइज देखिए, इस शैम्पू से मैंने अपने हेयर को वॉश किया है, तो ये लोरियल का शैम्पू है एंड ये प्यूरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग शैम्पू है। बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये, और इसमें लिखा है 72 हार्स फ्रेश योर हेयर, तो ये 72 घंटे तक आपके बालों को अच्छे से फ्रेश रखता है, सुंदर दिखता है, चमकीला बनाता है। एंड ये पाउच 3 रुपए का मैंने परचेस किया है एंड ऑयली स्कैल्प एंड हेयर के लिए है। तो गाइज ये वाला शैम्पू जिनकी जो स्कैल्प होते हैं, जैसे मैंने 3-4 दिन पहले जैसे मुझे लड़कियों को ऑयलिंग कैसे करना है ये सिखाया था, तो मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल लग गया था, तो ऑयल के वजह से मैंने इस शैम्पू को परचेस किया है। तो ये जो शैम्पू है ये ऑयली स्कैल्प के लिए, ये जो शैम्पू है ये ऑयली स्कैल्प एंड हेयर के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। गाइज आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। गाइज मुझे लॉरियल के सभी शैम्पूज बहुत पसंद आए हैं, तो मैं लॉरियल के ही शैम्पू यूज करती हूँ और मेरे बाल भी काफी लंबे हैं। एंड गाइज मैंने जैसे कि बताया आपको कि बाल मैंने कटवाए हैं, तो देखिए बालों की लेंथ भी थोड़ी कम हो गई है, बट कोई नहीं, मेरे बाल जल्दी से बढ़ जाते हैं, तो मैंने बालों को भी ट्रिम करवाया था एंड अभी मैंने स्पा भी करवाना है बालों में। तो जब मैं स्पा अपने स्टूडेंट्स लोगों को सिखाऊंगी तो वो वीडियो भी मैं जल्दी से अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जब भी आप क्लाइंट्स के वो हेयर वॉश करते हो तो सबसे पहले एक मग में शैम्पू को अच्छे से भिगो दीजिए एंड उससे झाग बना लीजिए। एंड देखिए इस तरीके से वाटर डाल के शैम्पू का झाग लाना है आपको। एक्चुअली देखिए कभी भी आपको शैम्पू डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से अपने पूरे बालों को शैम्पू कर रही हूँ। मेरी स्टूडेंट देखिए, स्टेप्स देखिए किस तरीके से कर रही है, पूरे स्कैल्प पर मसाज कर रही है वो। तो देखिए इस तरीके से आप देखिए गाइज, मेरे पास कोई टूल्स मशीन्स नहीं है बड़ी बड़ी जैसे पार्लरों में होती है, पर फिर भी मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से रिजल्ट देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से बालों को शैम्पू कर लेना है। एंड गाइज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी टूल्स होना ज़रूरी नहीं है, आपका काम कैसा है ये डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरीके से वो अच्छे से मेरे बालों पे पूरी स्टेप्स डाल रही है एंड बालों को अच्छे से वॉश कर रही है।
जब भी आप बालों को वॉश करते हो, हेयर वॉश करते हो, तो बालों को आपको रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है। इससे क्या होता है ना गाइस, जो आपके बालों के क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं एंड आपके बाल दो मुहे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से बालों को रगड़ना नहीं है, एकदम स्मूथली धीरे धीरे हाथों से अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है एंड शैम्पू लगाना है। तो देखिए, थोड़ी सी जो मसाज टेप होती है ना, ये वो डाल रही थी, तो देखिए पूरे अच्छा भी लग रहा था मुझे बहुत। तो देखिए पूरे बालों को इसने इस तरीके से वॉश किया है। एक्चुअली मैंने एक टेबल के ऊपर बाल्टी रखी है, बेसिक नहीं है मेरे पास, तो इस तरीके से मैंने अपने पार्लर में सिखाती हूँ लड़कियों को। ये एकदम लो बजट पार्लर है गाइस, बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने भी मेरे फेस को अच्छे से, सॉरी मेरे बालों को अच्छे से वॉश किया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज मुझे पता है ऐसे भी कमेंट आएंगे कि मैम लो बजट है, ऐसा है वैसा है, बट गाइज इतने से भी मैं मतलब अपने पार्लर में अच्छा रिजल्ट देती हूँ। मेरे पास, फिर से बता रही हूँ, कोई बड़ी बड़ी टूल्स मशीन्स नहीं है, बट फिर भी देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरे हेयर को वॉश किया है एंड रिजल्ट देखिए मेरे बाल किस तरीके से चमक रहे हैं। गाइस आपको रिजल्ट समझ में आ ही जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है मेरे बालों का। हेयर वॉश करने के बाद गाइज मैं थोड़ी गीली हो गई थी, इस वजह से मैंने ड्रेस अप चेंज कर लिया था एंड उसके बाद मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर किया है। तो देखिए पूरे बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर रही है। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं बाल, स्मूथ, सिल्की, शाइनी। तो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड जो जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा एंड जो रिजल्ट आपने देखा है वो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।